संसार सागर ते रखियन बहुर ना जन्मै ताय। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित साला है जिसनो तिल ना तमाय। जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। सर्व सुखा निध चरण हर पौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाईया बिखड़ा नाहे जरे। कूड़ गए दुखदा नसी पूरन सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक तरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे। नानक मंगे दर्श दान कृपा करो खरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे। नानक मंगे दर्श दान कृपा करो खरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाई मान हुए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों। उस परम पिता परमेश्वर जी की कृपा का सदका इस मनुखा देही नु सफल करने के लिए सतगुरु जी की पवित्र चरण शरण विच बैठ करके आप जी होने की सतगुरु जी दे अमृत बचना का कीर्तन सरवण कर रहे सी। सतगुरु की मेहर का सदका पिछले कुछ दिनों तो सतगुरु गुरु पंचम पातशाह महाराज जी दे अमृत बचन बारह महां दी विचार आपां आरंभ कीते सी। अज सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी की कृपा का सदका हजूर दे इस पावन पवित्र उच्चारण किए हुए अमृत बचन की संपूर्णता है। आरंभ विच अर्ज की सी कि बारह माह के चौदह अंक ने चौदह पौड़िया ने। एक पौड़ी विच पहला केवल अरदास की हे प्रभु असी अपने किते हुए कर्मा करके विचड़ गए हैं ते तुसी कृपा करो मेल करो सानू परमेश्वर दे चरणा विच मेल दियो। अखीर ते बारह महीनिया तो बाद सतगुरु ने फिर कृपा करके क्या पाई जिसने भी इस पगजल नू तरना है सिर्फ इको जुगत है परमेश्वर दे नाम विच जुड़ना। आओ सतगुरु दे इस अमृत बचन दी विचार आरंभ करन तो पहला धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी आप बख्शिश कृपा करो
अंदर नूं एकाग्रता दी दात बख्श के सतगुरु अपने अमृत बचना दी विचार प्रेम भावना श्रद्धा नाल आप ही कृपा करके करा लो। करो कृपा साध संगत आशीष बख्शो। प्यार अदब नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज जी दी इस अमृत बाणी दी आरंभ विच अर्ज कीती सी। एक लड़ी गुरुदेव ने परोई हुई सब तो पहले शब्द विच केवल बेनती सी कि हे मालिक तेरे नाम तो बिना तेरी कृपा तो बिना तो मनुख का जीवन इस तरह है कि जिवें पानी ना मिले ते कीमती तो कीमती फसल भी मुरझा जांदी है कुमला जांदी है सड़ जांदी है। उस फसल तो कोई आस नहीं कि अनाज की प्राप्ति हो सके। जिवें एक गां दुध ना दे ते उस नूं दर दर दियां ठोकरां पैंदियां नहीं। तेरी कृपा तो बिना ता मनुख दे जीवन दी अवस्था एवे के तेल दुदा ते बाहरी किता ना आवे काम जल बिन साफ को मिलावती उपजै नाही दा। सतगुरु ने फिर पूछया जिज्ञासु तेरी इच्छा तेरी लोचा की है ते सब तो पहली कृपा कीती हे मालिक दुनिया दे सुख सकूल ता हर वस्तु मेरे कोल है पर अंदर दा शांति अंदर दी टिकार मेरे कोल नहीं। ते तन गुरु अर्जुन साहब कहन लगे ओ अंदर दा आनंद मिलदा केवल गोविंद नू आराधन दे नाल। ते जिस दिन विचार बारह माह दी आरंभ कीती सी उस दिन अर्ज आप दे चरणा विच कीती सी के चेतर महीने दे पहले दो बचन ते पल्ले बन के रखियो के इना दी प्राप्ति दे लई जिज्ञासु बारह महीने मालक दे चरणा विच सिक्का जोदड़िया बिरहो तरले मिन्ता कर दे ते बारहवें महीने विच ओ दात प्राप्त हुई जेड़ी दात दी मंग हजूर कहिंदे चेत विच कीती सी। चेत विच साहब ने कहा कहिंदे जे अंदर दा टिका चाहे फिर चेत गोविंद आराधी है खोवै आनंद घना। जे चेत विच गोविंद नू आराधेगा मालक नू जपेगा ते तेरे हिरदे विच बहुत आनंद पैदा हो सकदा घना दर ते बहुत ज्यादा। ते फिर जिज्ञासु ने पुछया दातार उस चेत नू आराधीए किवें किवें मालक नू चेते करिए। ते हजूर कहन लगे अपने आप नहीं चेत गोविंद आराधिए होवै आनंद घना संत जना मिल पाई है रसना नाम भना। गुरमुखां दी संगत संत जना दी संगत करी ते रसना नाल उस मालक दे नाम नू भना दर ते उचारण करी ते आनंद दी प्राप्ति जरूर होवेगी। अज धन गुरु अर्जुन साहब ने कृपा कीती जेड़ी मंग चेत विच जिज्ञासु मंगदा सी वैसाख विच तरले लै रहा सी जेठ विच लुड़छदा ते तपदा पिया सी असाड़ अंदर नूं टिकन नहीं सी देंदा सौन विच थोड़ी जी निम्मी निम्मी बरसात ने टिका दिता भादों विच फिर भरम पै गया असू दी रुत आई ते अंदर प्रेम ने उछाला खादा कत्ते विच बेनती कीती अपने कर्मा करके विछड़िया मगर विच जुड़िया होया नूं तक के अंदर चाव पैदा होया। पो विच साहब ने कहा जप के कत्तर नहीं व्यापेगा माघ विच अंदर दी सुचनता दी गल कीती ते जदों इन्ने सफर नूं तय कीता ते फगन दा महीना आया ते धन गुरु अर्जुन साहब कहन लगे फलगुन आनंद उपार जाना जिनू चेत विच कहिंदे सन होवै आनंद घना अज ओ उपार जना दा अर्थ पैदा हो गया फलगुन आनंद उपार जना। ते साहब कहन लगे किवें हर सज्जन प्रगटी आए जिस हरी सज्जन ली बेनतियां जोदड़ियां कीतियां ओ खिरदे विच प्रगट हो गया। ते साहब जीओ के आनंद
ते सज्जन दोनों आ गए। साहब कहन लगे असल हकीकत ए वे जिथे सज्जन ने आना उथे कुदरती तौर ते आनंद ने आ ही जाना। जिथे आनंद दा दाता आएगा सुखां दा दाता आएगा उथे सुख कुदरती तौर ते प्रवेश करदे ने। कहन लगे फलगुण आनंद उपार जाना हर सज्जन प्रगति आए ते मालक किवें प्रगट होए। ते साहब ने फिर अगला वचन किया कहन लगे संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिला है। परमेश्वर दे प्यारे संत जन ओ सहाई होए राम के दा अर्थ है परमेश्वर दे चरना भी जुड़े होए। ओना ने सहायता करके मिल मालक दे चरना भी जोड़ दिता। इन्हां दो पंक्तियां दी आरंभ विच अर्ज करनी के अंदर आनंद प्रगट हो गया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक अमृत बचन कहा कहिंदे परमेश्वर है ता हर एक दे अंदर कोई ऐसा हिरदा नहीं जिदे विच उस मालक दी जोत नहीं पर चेते रखी प्रगट उस हिरदे विच हुंदी आ जिस उत्ते मेरे मालक दी मेहर हो जाए। सतगुरु ने अमृत बचन कह कहन लगे धरती दे थले पानी है पानी दा खोना कुछ होर चीज है पर पानी दा प्रगट हो जाना कुछ होर चीज है। धरती सारी थले पानी मिलेगा पर जिथे आपां घरां विच नलके लांदे सां जा किते ट्यूबल लाना जा जमीन नू पट के खूह तैयार करना पानी ता सारी धरती थले सी पर बुक हथ केवल उथे अड्या जांदा सी जिथे पानी प्रगट हो जाए। साहब कहन लगे सज्जन है ता हर एक दे अंदर पर चेते रखी प्रगट उस हिरदे विच हुंदा है जिदे उत्ते मेरे मालक दी मेहर होवे ते परमेश्वर दे संत जन सहाई हो जान। खजूर दा अमृत बचन हुंदा कहन लगे सबनी घटी सौ वसै। घटी दा अर्थ है हर एक हिरदे विच सौ दा अर्थ मालक वसदा। सबनी घटी सौ वसै सहबिन घट ना कोए नानक ते सुहागनी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए। कहिंदे असल विच ओ सुहागना ने जिन्ना दे अंदर गुरु की कृपा नाल खरी सज्जन प्रगट हो गया। साहब ने एक होर अमृत बचन के असी पढ़ने आ के सब में जोत जोत है सोए तिस दा चानन सब में चानन होए। पर कहिंदे ने प्रगट किसे उस हिरदे विच आउंदी है जिथे गुरु की रहन टिक जाए। सब में जोत जोत है सोए तिस दा चानन सब में चानन होए। पर कहन लगे प्यारिया गुर साखी जोत प्रगट होए जे गुरु की सिख्या कमावे ते हिरदे विच ओ मालक दी जोत प्रगट हो जांदी। साहब किदन फगन विच मेरा खरी सज्जन मेरे हिरदे विच आ गया प्रगट हो गया। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचन आपां पढ़ने आ जदों ओ सज्जन आया अंदर नूं किन्ना को टिका आनंद मिले। साहब कहिंदे ने अज टीकरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो डरना अंदर नूं भय लगना के पता नहीं ए कदों मेरे अंदर नूं तबाह कर सकदे ने। पर कहिंदे ने जदों सज्जन आनंद लै के आया ते अंदरों आवाज आई के नस वंजो किल विखो करता कर आया खे पाप खे विकारो तुसी मेरे अंदरों दूर चले जाओ क्योंकि मेरे हिरदे दे विच मेरा मालक आके वस गए। नस वंजो किल विखो करता कर आया दूतै दैन भया गोबिंद प्रगटाया हुण तां जमदूत भी भय खान लगे हिरदे विच मेरा गोबिंद आके प्रगट हो गया। चेते रखियो फगन दा महीना जिथे सज्जन प्रगट हुंदा है उथे इसे फगन दे महीने विच बसंत दा आगमन भी हो गया। चार चपेरे फुलवाड़ी खिड़ पई चार चपेरे खरियावल हो गई ते धन गुरु अर्जुन साहिब ने इसे महीने दी गल करदिआं कहन लगे बसंत भी खेड़ा आनंद इक खेड़ा है। कहिंदे ने पर चेते रखी बसंत दी रुत फगन दा महीना उन्हां लई भागां वाला है जिन्हां दे हिरदे विच सज्जन वाहिगुरु टिकिआ है। जिस हिरदे विच सज्जन नहीं फगन दे खिड़े कोई फुल भी ओहदे लई अग भास दे। साहिब ने अमृत बचन कह नानक तिन्हां बसंत है जिन घर बसिआ कंत जिन के कंत दिशा पुरी से ऐन सपिरै जलंत।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਝੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਤਨ ਤੇ ਰੰਗ ਸਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਸਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਚਕਾਰੀ ਪਕੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਗ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜੇ ਭੁੱਜੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਲ ਨੂੰ ਬਖੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆਂ ਭੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਬਣੇ ਭਾਗ ਤਬ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ ਖੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਲ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਖਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਕਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਹਿਕ ਉੱਠਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੈ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਾਨੀ ਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਏ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਏ ਖੇੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੈ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ ਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ੈ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਲ ਆਪਸਾਨੀਏ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਲ ਨੂੰ ਫੈਂਕਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਝੋੜਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਖਰੀ ਸੱਜਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਤੇ ਯੋਗੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਦੇਖਦਾ ਪਏ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਣਾ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਸ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੱਕਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਗੋ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਝੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖੇੜਾ ਕਿਉਂ ਵੇ ਮੈਂ ਜੀਭ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿ ਖਿੜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੀਭ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਬੋਲਿਆ ਨਾ
ते एक रब दी रहमत वाला कोलो लंघिया। कह लगे जितनी देर तक मर्जी तू खलोता रहो इन्हें बोल के तेनू कुछ दसना नहीं, असल विच एदा जीवन ही केवल खेड़ा है, इनू खेड़े तो बिना दूजी कोई सुरती नहीं, ए अंदर केवल आनंद है। भाई साहब ने उत्ते एक कविता कही, कह लगे खिड़े फुल नू जोगी सी एक ध्यान नाल प्या भरदा, जुड़िया होया मन उस खिड़े फुल नू तकदा पे। कह लगे खिड़े फुल नू जोगी सी एक ध्यान नाल प्या भरदा, असा पुछया जुड़े मना तू क्यों प्या इस ते मरदा। कहन लगा मैं सुनिया चाह इस दे दिल दिया गल्लां, इसलिए इस नू जीव लान दा यतन प्या हा करदा। भाई साहब कहंदे जोगी ध्यान तुरिंदा फुटा फुल जीव ना लाई, पर जिदे कुल आनंद है ओदे कुल बोलन दी लोड़ नहीं। चुप जीव ता बोल रही सी पर जोगी नू ना दिसाई, कूक कूक पिया सोना आखे तन मन मेरा खेड़ा, खिरन खड़ावन बाजो सानू होर सुरत नहीं कर। कहंदा मेरा तन मन केवल आनंद ते खेड़ा है, मेनू आनंद तो बिना दूजी सुरत ही नहीं। प्यारियो इस आनंद दी प्राप्ति होवे किवें? साहिब धन गुरु अमरदास जी तां रोज कहिंदे ने, आखदे ने आनंद पया मेरी माए सत गुरु मैं पाया। पुछया महाराज जेड़े लोग कहिंदे ने आनंद, धन गुरु अमरदास कहन लगे नहीं आनंद आनंद सब को कहे, हर कोई कहिंदा मैं खुश हां पर जदों किते ओदे हिरदे दे ढक्कन नूं खोल के देखेंगा थल्यों केवल दुख दियां परतां निकलदियां ने। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाणिया, जाणिया आनंद सदा गुर ते। कोई एक अद्धे दिन लई सदा लई गुरु ने कृपा करके आनंद दे दिता। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह उन्हां दे जीवन विच इक बड़ी रहमत वाला सिख आया, जिस नूं गुरु ने टिके होए नूं अंदर दा आनंद देण दी एक रहमत कीती। ध्यान दिया जे लाहौर दी धरती दा रहण वाला इह सज्जन सी, जन्म होया ते कुछ समय तो बाद इस दे माता पिता चलाना कर गए, परिवार ने रिश्तेदारां ने परवरिश कीती, मां बाप ने इहदा नाम रखिया सी सुजान राय। ध्यान दिया जे गुरु प्रगट हुंदा है, जे तू गुरु के बचन नू 11 महीनिया विच कह जो ओनू कमा लें ता हिरदे घर विच भी प्रगट हुंदा है। इहदा नाम रखिया सुजान राय, ताए ने इहदी परवरिश कीती संभाल कीती। कुछ समा ए अपने ताए दी नगरानी विच पढ़दा रहा, उन्हें तालीम बड़ी उची दिती, फारसी दा महान विद्वान बनिया, नाल पिन इनू हिकमत वैदिक ते गुण सिखाए। समा आया जदो सुजान राय अपनी सुरत संभाली, एकांत विच बहना ते मनु एक आवाज उठनी, सुजान राय जिस घर विच तू बैठा तेरी मंजिल ए तानी। हकीकत है जिन्हां दे पूर्वले बीजे कोई बीज पुंगरदे ने इस जन्म अंदर, उन्हां दे अंदर फिर एक आवाज उठदी है, भावे दुनिया दे सुख वैगुरु सारे दिते ने पर इन्हां विच आनंद नहीं जिन्नी देर तक मैं अपने साईयां जी दे चरणां विच ना जुड़ जां। ताई साहब ने अमृत बचन कह जदो पुछया ना कि गुरु कृपा किवें मिलदी है, खजूर कहन लगे पूर्व कर्म अंकुर जग प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलता हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। पूर्वला बीजिया होया बीज अंकुर होवे, सुजान राय कम करदा है वैदिक दा हिकमत दा, पर जदो कम करना दवा दरमल करना अंदरों आवाज आनी सुजान राय तेरी ए मंजिल नहीं, तेरा टिकाना तेरी मंजिल तेरा मुकाम कोई गोरे, तू किजे विच खचत हो गए। पर अंदर उदासी शान लगी, अंदर जेड़ा ओ किसे चिंता विच वह तुरिया, परिवार ने सोचिया भी सारा दिन उदास रहिंदा चिंता विच रहिंदा है, शायद इनू कोई रोग लग जाए किते इहदे तन नू कोई बीमारी ना ग्रस लै। उन्हें यत्न किया एदे ध्यान नू दूजे पासे लिजाण लई, इहदा विआह इहदी शादी कर दित्ती।
ध्यान दिया जे अंदर दी अवस्था एक ऐसी है कई बारी जिन्हें इनू मानिया नहीं वो सोचता शायद इनू रोग लग गए ताई ता आ बचन मेरे साई सच्चे पातशाह नू कह परिवार ने भी कह वैद ने भी कह ते गुरु नानक साहब ने पुकार के क्या सी दुनिया दे लोगो जिस नू साई नू मिलन दी तरब है ओदी नब्ज नू ओदी नाड़ा नू देख के मत देखो नू कोई रोग लगे ओदे हिरदे विच साई नू मिलंदा इक सल है जिन्नी देर तक मिल ना ले ओदे अंदर टिका नहीं। साहब ने अमृत बचन कह कहन लगे वैद बुलाया वैद गी पकड़ टंडोले बां भोला वैद ना जाने ही करत करेजे मां। साहब गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जाकै अंतर दर्द ना पाई। एक उर्दू दा अदीब कहंदा है कि जदों साहब दी बां पकड़ी सी वैद ने ते हजूर ने बड़े कमाल दे बचन कह कहन लगे वैद ने जब नब्ज पकड़ी तो आपने फौरन कहा कहन लगे नब्ज को क्या देखते हो नब्ज में रखा है क्या जिस मर्द की जुस्त जो में नब्ज पे रखते हो हाथ मुझे दर्द इश्क है और इश्क है मौला के साथ। मेरे अंदर एक तांग है साईं नूं मिलदी सुजान राय दे अंदरों आवाज आउणी कि तेरा मुकाम ए नहीं उदास रहन लगा परिवार ने ताए ने शादी कर दी रब ने मेर कीती कर पुत्र पैदा होया पर अंदर दी तरफ होर तेज होन लगी। अर्ज कर रहे हैं जेड़ा जिज्ञासु फरियाद करेगा कि सतगुरु दे हिरदे घर विच प्रगट नहीं हुंदे अंदर तांग होर तरफ पैदा हो गई। कहिंदे ने एक दिन कोई सज्जन विद्वान आया सुजान राय दी दुकान ते बैठ के कहिंदा है कि हुण तां मुल्क विच सरकारे दरबारे साडी विद्वाना दी कदरी कोई नहीं। कहिंदा मैं इन्नी सोहनी शायरी करना वा मेरा चित करदा मैं लाहौर नू छड़ के कल नू आनंदपुर साहिब दी धरती ते चले जाणा है उत्थे गरीबां दा दर्दी निमाणियां नू मान देण वाला सूरमियां ते विद्वाना दा कदरदान साहिबे कमाल खरदो आलम शाह बादशाह दरवेश तन गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा में जा टिकांगा चार अखर जेड़े पढ़े ने ओदी कृपा लेके अपनी जिंदगी नू सफल करांगा। कहिंदे ने कि इस तरह होया जदों सुजान राय ने सुनिया कि गुरु कलगी वाला पता नहीं अंदर सिर तो पैरां तक चरना छिड़ गई जिवें कामणी दे पिछे तुरन वाले कोयल दे बच्चे दे कन कोल जाके कोई कोयल दी आवाज सुनाए ते अंदर तड़ पैदा हुंदी है मैं अपने असले नाल मिला अपने जाके मुकाम ते पहुंचा। सुजान राय ने सुनिया ते गुरमुख प्यारे विद्वान डॉक्टर तारण सिंह लिखदे ने सारी रात बेचैनी नाल बतीत होई। मैं मुक्तसर जी अर्ज करा दिन चढ़िया ते सवेरे दुकान बंद कर दिती परिवार नूं क्या कहन लगा सजनों रुपये दी कमी नहीं मैनू इजाजत दे दियो इंज लगदा है जिवें रात दा मैनू कोई अपने वल पुकार दा पे ते कुदरत दा इक नियम है प्यारियो जदों किते मालक मेर करके किसी अंदर ए दर्द ए शिक पैदा कर दे ओ बदो बदी खिंचया जांदा है। कदी देखो धरती ते अग बालने आ पर अग आसमान वल उड़दी पई है कदी ओ सज्जे खब्बे नूं क्यों नहीं धरती वल क्यों नहीं क्योंकि अग दा स्रोत सूरज आसमान भी चमकदा ते अग बदो बदी उधर दौड़दी भावे पानी समुंदर तो उठ के आसमान विच बदल रूप में जांदा है पर जदो वरसदा आउंदा धरती वाले ओदा मूल स्रोत धरती दे उत्ते अंदर एक खिच है आत्मा दे। कहिंदे ने सुजान राय ने परिवार नूं धीरज दित्ता आप सवेरे तुर पिया उस विद्वान सज्जन नाल आनंदपुर साहिब दी धरती ते पहुंचे ज्यों ज्यों आनंदपुर गया त्यों त्यों अंदर नूं तू पै अंदर नूं खिच पै ते लिखदे ने डॉक्टर साहिब के आनंदपुर साहिब पहुंचया ते गुरु कलगी वाले दे कीते दर्शन चौपाल चरणा ते डिग पिया
पता नहीं कि कई दिनों का अंदर भरिया होया जल किस तरह जिमें किते खूह का कड़ पाते रो रो के कलगी वाले दे चरण धो दिते कहन लगा सतगुरु कृपा कर मेनू रख ले मेरे ते रहमत कर अंदर दी चिंता झोरे नू मिटा दे। ते सतगुरु ने सिर्फ इको शब्द वरत्या कहन लगे चला जा इथों इथे तेरा टिकाणा नहीं। उन्हें दूजी वारी फिर बेनती की साहब कहन लगे चला जा रब ने तेनू वैदिक दा गुण दिता है हिकमत दा गुण दिता है जिधर तेरा मुंह है तू उधर चला जा। तीजी वारी फिर कहिंदा दाता मैं तेरे दर ते आया। साहब कहन लगे जे शांति चाहना ते वचन मन वचन मनन वाले दे अंदर नू टिका मिलदा हुंदे। पुछया सतगुरु जा किथे ते इको शब्द किया जिथे जिधर तेरा मुंह है इसे पासे नू दौड़ पाओ जिथे तेरा टिकाणा आवेगा उथे रुक जाए बस मानवता की सेवा करी ओदी सेवा गुरु ते रब दी सेवा। हुण तक ओ गुरु की मर्जी है। तन गुरु अर्जुन साहब ने एक बचन कहा कहिंदे ने कि तेरी मर्जी ते निर्भर नहीं ये सतगुरु की मर्जी है तेरे भांडे विच दात उन्हें किवें टिकाणी। आपां सुखमनी साहब की 18वीं अष्टपदी विच एक पदा पढ़ियो कहन लगे भेट संग राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर वचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखो जाता मंत्र अमृत दृष्ट देखा है। संत ओदी मर्जी ये दृष्टि करके कृपा कर दे ओदी मर्जी ये वचन दे के कृपा कर दे ओदी मर्जी ये सिर ते हक रख के कृपा कर दे। कहन लगे चला जा मनुखता दी सेवा करी गुरु नानक तेरे ते रिजन गे। लिख दे ने सिख गुरमुख प्यारे सुजान राय ने तीजी वार जदों शब्द सुने उठ के दौड़ पिया सारा दिन दौड़दा रहा ते जदों शाम दा वेला आया रोपड़ दे नेड़े पहुंचया पैरां नूं ठोकर वजी जमीन ते डिगा डिगदिया सार बेहोश हो गया। पिंड दे लोक आए आके तलियां चसियां मुंह विच पानी पाया होश आई ते जदों होश आई ते शब्द मुंह विचों निकलिया तन गुरु कलगी वाला। लोकां पुछया जाना किथे आया कितों में कहन लगा भेजन वाले ने भेज दिता है अपनी मंजिल ते पहुंच गया वा ते तुसी कृपा करो मेनू इस पिंड विच रहन लई थां दे दिओ। पिंड दे लोकां ने झुग्गी बना दिती सारा दिन सिमरन करना याद भी जुड़े रहना। फिर मन विच आया गुरु साहब ने कहा सी सेवा करी जड़ियां बूटियां लियांदियां दवाई तैयार कीती दवा दरमन करना आउण वालियां दा ते नाल दवाई देंदिया कहना कि दवा तां मैं तेनूं दे रहा वां पर रहमत कलगी वाले दी होवेगी। बोल कलगी वाला किन्ने लोक एदे नेड़े जुड़ लगे सिमरन भी जुड़िया जिन्हें आउणा उहनूं कोल बिठा के गुरु गुरु जपाणा। फिर जदों गर्मी आई कोरे मत पानी दे भर लै आनंदपुर साहिब नूं जाण वाले रस्ते विच बह गया पानी पियाणा ते कहना कुछ ना अखां भर के कह देना बोलो धन गुरु कलगी वाला। संगत आउणी आके कहना दातिया एक रस्ते विच बता नहीं बड़ा भिजी कोई रूह बैठी है दवाई भी लोकां दी करदा है पानी भी पियांदा है जदों कोई पुछने तू कौन है बस कहिंदा कुछ ना पुछो इको गल कही जांदा धन गुरु कलगी वाला। साहब सुन के मुस्करा पए पुछया दातार कौन पर कलगी वाले ने कुछ नहीं किया। किन्न ने अज की बनिया किसे आके क्या वैद जी ना दा भी नहीं पता है कौन कितों आया है। कहन लगे वैद जी अज गुरु गोबिंद सिंह ने इस इलाके विच इस एरिए विच आउणा है। सुजान राय दा रोम रोम खिड़ गया अखां भर आईयां इको दम उस नीर नूं पूंज लिया कि मना जा जा इस अवस्था नूं अज कलगी वाला लंघेगा किन्ने महीने हो गए ने दीदार नहीं होए जदों लंघेगा राह विच तुम्हें खलोवी कहना कुछ नहीं जिथे टिकाया सो दी रजा विच रहना हुण आनंद अंदर नूं आउण लगा बस ओदी कृपा लैणी। लिख देने गुरमुख प्यारे सुजान राय सवेर का तैयार हो गया अज कलगी वाले दे दर्शन करने ने
जदो दिन चढ़िया एक औरत कुली विच पहुंची, आवाज दे के कहंदी है वे सुजान राय नू उस वैद नू शब्द वरते वे वैद नाल दा पता नहीं सी। कहन लगी मेरी नूह नू तकलीफ है सूल उठया, तेनू तेरे गुरु दा वास्ता ही जे तू दवाई कर दे मेरा घर बच जाएगा, छोटे छोटे मेरे पोते पोतियां ने उन्हां नू संभालना किन्ने में। हुण एक पास्यों पता लगा गुरु कलगी वाले ने आउणा है, ते दूजे पास्यों होका लेके कोई कहंदा तेनू तेरे गुरु दा वास्ता एक वारी मेरे घर जा, शायद तेरे हत्थां दी बरकत नाल ओ बच जाए। दुविधा विच पै गया, अखीर ते फैसला कीता मना वचन मनन विच बड़ा सुखी, तेरे गुरु ने तेनू वचन कहा सी मनुखता दी सेवा करी, गुरु दी सेवा ही आनंद मिलेगा। सत बचन कह के झोला लेके तुर पिया दवाई वाला घर गया, उस बीबी नू जा दवाई दिती, कुछ समा टेक के बैठ गया। जदो ओनू होश परती आराम आया ते वापस तुरिया हुंदा, ते तुरन लग्या उस माई ने इको गल कही, कहन लगी वैद साडा गुरु ए कलगी वाला मेरा दाता मेर करे, जिस भावना नाल तू सेवा करना तेरी भावना नू भाग लग जाए। सुजान राय जदो वापस आया ते की देखदा ओदी कुली दे चार चफेरे लोग इकट्ठे होए, उस विच बजुर्ग भी नहीं, उस विच बीबियां भी नहीं, उस विच बच्चे भी नहीं, थोड़ी दूर कुछ घोड़े बजे ने। तुरिया काली दे नाल माने क्या कोई रोगी आया होगा, हो सकता है कोई अमीर दा पुत्र होवे, किसे चौधरी दा बच्चा कोई बीमार होवे। इन्नी भीड़ मेरी कुली अगे इकट्ठी है, पता नहीं ये केड़ा दुखी आया है, चल मना गुरु कलगी वाले दे चरणा दी टेक लैके ओदा इलाज कर। जदो तेजी नाल दौड़ के कुली कुल गया, भीड़ नू चीर के अंदर प्रवेश कीता, ते की देखदा पे है के कलगी वाला पादशाह ओदी तपड़ ते ओदी सप ते ओदी चटाई ते चौंकड़ी मार के बैठे ने। कहन लगा सतगुरु, ते जदो चरना ते डिगया साहब कहन लगे सुजान राय अज मैं तेनू लैन आया अपने घर वा, देख मैं तेरी इंतजार करदा पिया सा, अज मैं तेनू अपने घर ले जान नहीं आया। चरना ते टह पिया कहिंदा हे दातार कृपा कर, सतगुरु ए विछोड़े दा सल हुण ना पै। खजूर ने इको गल कही सजना तू भावना बना के बैठा सै। कहन लगा सतगुरु मेरे घर तू आ गया। कहन लगे केवल इस कुली घर विच नहीं, तत गुरु नानक देव दे चरणा दा ध्यान अज तो बाद गुरु तेरे अंदर प्रगट हो जाए, सतगुरु तेरे अंदर बस जाणगे। गुरमुखो भाई सुजान राय गए, अमृत दी दात दिती, भाई सुजान सिंह बना दिता, ते साहब ने कहा जिथे भी टिकेगा अंदर इन्ना को खेड़ा ते आनंद होवेगा, चिंता झोरे सदा लई मिट जाणगे। इहदा मतलब जे तू सिख लैके तुरिया वचन मनी, ते साहब कहंदे कदी 11 महीने कमा ता सही, फिर तेरे ते भी कृपा होवेगी, फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगट आए। जदो सज्जन प्रगट आवे ताई फिर कहंदे ने मन चाओ भया, प्रभ आदम सुनिया ताई कहंदे ने हम घर सज्जन आए, ताई क्या जांदा है कि दुनिया दे लोगो देखो मेरा मालक मेरे हिरदे दी सेज ते आ गए। हजूर कहन लगे फलगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगट आए, एक आनंद पैदा होया दूजा हरी सज्जन आ गया। हुण तकियो गुरमुखो अगे पुछया तेरे प्रगट किवें होया, साहब कहन लगे संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। कहंदे परमेश्वर दे प्यारे संत जन ओ सहाई होए, ओ विचोले बन गए, ओना ने कृपा करके मेनू मिला दिता। मैं इस पवित्र वचन ते कुछ समा रोक के आप जी नू अर्ज करनी चाहना, तन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी तो बाहर ने संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। अज जदो संत शब्द आउंदा है ना, कई वारी कई साडे सज्जन खिमा करियो जिहड़ी अर्ज कर लगा, इस शब्द तो नफरत ना करियो, बड़ा पवित्र शब्द है,
धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने दोनों पख रखे ने। हुण जे आपां इह कहीए वी संत नां दी दुरवरतों हुंदी पई इहदे विच कोई शक नहीं, संत शब्द इन्ना पवित्र है। कई बार जो दंभी अपने नाल जोड़ लेंदे ने ना, ते गुरु ग्रंथ साहिब उन्हां बारे भी कहिंदे ने, आखदे ने गज साधे तह तह धोतियां तेरे पायन तग, गली जिन्ना जप मालिया लोटे हाथ नबग, ओए हर के संत ना आखियां बा नारश के ठग। 95 गल कहनी पई, कहन लगे रहो संतो टोल साध बो तेरे दिठे, सन्यासी तपसी मुखो ए पंडित मिठे, बर्ष एको फिरो किना ना परचो लायो, कहते कहती सुनी रैत को खुशी ना आयो। साहब ने क्या दंभ है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मन्नण वाले हो, गुरु दी उपमा एदे विच जे के गुरु अपने सिख दे हिरदे ते जदों निवास करदा है, उदो करनी वाला कोई मिल जाए तो सहता करके साईं दे चरणां विच जोड़ सकदा है। मैं अर्ज करना कि शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब दा आसा राग है ते भगत रविदास जी दा शब्द है। वैसे आप जी किसे भी टीकाकार दे अर्थ पढ़ियो, कोशकारा ने अर्थ एको ही दिते ने, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, उथे वचन कीता साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच अर्थ कीती, संत ओ जिन्हों धन गुरु ग्रंथ साहिब कन्नू दे कोल तां इन्नी कु ताकत है कि कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर वीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। भगत रविदास जी का शब्द पढ़ो, ये शब्द आरंभ हुंदा है, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। पहली पवित्र पंक्ति इहदे अर्थ की ने, भगत रविदास जी कहिंदे ने मालक मेरे मन भी चाहिया कि तेरे तन दे दीदार करने, गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द तो अगे साडे कोल कोई दलील नहीं, ते शब्द दे अर्थां विच हेराफेरी करनी आपां गुरु के देनदार होवांगे। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब कहन लगे, बाबा रविदास जी किस चित ज्ञान नाल पता लग्या कि करनी वाले तेरा अपना तन, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। अगे फिर वेखो मन की कीती, कहन लगे संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझै दीजै देवा देव, माझै शब्द दर ते मुझै मेनू, संत की संगत कंदनी जे त्रुठे है ना फिर उन्हां दी संगत बख्शी जिन्हां दे अंदर तू वस ना पे। संत कथा रस जेड़ी कथा ओ करदे ने अकथ दी, कृपा करियो कथा दा रस मेनू दे दे। संत प्रेम माझै दीजा देवा देव, जिस तरह तेरे चरणा विच ओ खड़ोते पए ने, कृपा कर मेरे हिरदे विच किते हो जा प्रेम पैदा हो जा। संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझै दीजा देवा देव। अगे रविदास जी कहन लगे, संत आचरण संत चो मार्ग, मेनू ओ आचरण दई जेड़ा एक संत दा है, करनी वाले दा है, जपन वाले दा है, ते ओदा आचरण इन्ना कु उच्चा है। आ भाई बुद्धू दे जीवन नु कदी पढ़ो कि ना कु उच्चा आचरण सेवा पंथी महापुरुष दा, जे किते शेरे पंजाब वर्गा भी जांदा है, जाके कहिंदा मैं बाबा बुद्धू साहिब नु मिलना है, ते गुरमुख प्यारे भांडे मांजदे उठ के खड़े हो के कहिंदे ने कि सजना किनू मिलना है, कहिंदा बाबा बुद्धू साहिब नु, हाथ पकड़े हाथ तो के बाह पकड़ी अंदर गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल जाके कहन लगे, साहिब ते एही बुद्धू मैं आ, बुद्धू नु मिल के की लैने, जो कुछ लैनी ते साहिब दे चरणा नु जोड़। कदे तकियो जिहड़े करनी वाले ने, ज्ञानी ठाकुर सिंह होरी एक विद्वान होए ने, उन्हां ने लिखिया दरबार साहिब दी परिक्रमा भी जा रहे हैं, ते संत बाबा अटल सिंह जी किन्ने हनेरा सी ते अपने परिक्रमा विच ओ मस्तक पै रगड़दे ने, कहन लगे पहला तां पछाणिया ना, परत के फिर लंघिया ते देखिया सज्जन फिर मस्तक रगड़े पिया, किन्ने मैं पहचान के क्या मैं क्या गुरमुखो, ज्ञानी ठाकुर सिंह लिखदे ने कि तुसी तां दूर बैठे सुरत नाल सिजदे करदे हो ते तां वी परवान ने
इस पत्थर ते मथा रगड़ के आ निशान खून निकला है। अखां भर के कहन लगे ठाकर सिया बाहर जाना बड़ा वर्जना लोग पट के इस चमड़ी नू कहिंदे ने। अज शाम दा वचन कीता धन गुरु रामदास एक कृपा तेरी है सारे मथे मैं तेरे चरणा विच टेकना मेनू बख्श ले। कभी तकियो हो जे संत सहाई राम के की ओ कृपा कर नहीं सकते। साहब बाबा रविदास जी कहन लगे संत च संगत संत कथा रस संत प्रेम माझ है जीजा देवा देव एक कृपा करी संत आचरण जीवन देने ते संत वर्गा दे संत आचरण संत चो मार्ग ओ रस्ता जे जिस रस्ते ते साधु तुरे है। ते तीजी गल कही संत च औलग औलग नहीं औलग दा अखरी अर्थ हुंदा दास। भगत रविदास कहिंदे ने मैनू पता है मैं अपना जीवन की हो जा बतीत करना पिया। देखो जपन वालियां दी खेड बाबा फरीद साहब दा जीवन मैं पढ़िया एक खे नर्ज करा असी भी मां बाप हां बच्चिया दे तुसी भी हो। पता नहीं वो मां किन्नी को रूहानियत तक पहुंची सी। फरीद हर 11 साल बाद कमाई करके आउंदे ने ते बख्तियार काकी दा चेला बनाना फरीद नू मां ने ते जदो 11 साल बाद परत के आउंदे ने ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखदे ने मां कहिंदी बेटा अजे तेरा ओ पद्धर नहीं बनिया अजे तेरा अंदर ओना तैयार नहीं के बख्तियार काकी जी दी संगत तू कर सके। इहदा मतलब मां अंदर तो किन्नी को जाणू सी कि अपने बच्चे दे अंदर नू घर दी पई सी जीवन नू घर दी पई है। बाबा रविदास जी कहिंदे ने दाता मैं कह बैठा वा कि मैनू संतां दी संगत दी मैं गलती कीती है असल विच मेरा जीवन ओना उच्चा नहीं पर कृपा कर दी संत आचरण संत चो मार्ग संत च औलग औलग नहीं औलग दर ते दास ते औलग नहीं दा अर्थ है जेड़ा दासां दा भी दास है। मैं तेरे करनी वालियां दी संगत करन जोगा नहीं जेड़े ओदे दर ते झाड़ू लांदे ने ओना दासां दा दास ही मैनू बढ़ा दे संत च औलग औलग नहीं। फिर अगे वचन कीता और एक मांगू भगत चिंता मन आनंद जी दे नाल प्रगट होना है एक होर दास दे दे और भगती दी जेड़ी अंदर दी चिंता दूर कर दिए पर किन्ने एक बख्शिश होर कर दी मैं मंगल लगा तेरे तो जनी लखाओ असंत इथे ऐड़ा गित्र लगा असंत पापी सन कह लगे साकत निंदक बंदा संदा दी निंदिया करन वाला मेनू बचा के रखी मेनू ओदे दर्शन ना कदी करा जनी लखावो असंत पापी सन। अखीर ते कहन लगे रविदास भणे बोल के कहिंदा जो जाने सो जान असल विच सियाणा होवे जेड़ा इस गल नूं समझ गया केड़ी संत अनंत है अंतर नाही संत विच ते उस अनंत विच कोई अंतर नहीं। साहब कहन लगे फलगुण आनंद उपार जाना हर सज्जन प्रगति आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। किवें मिलाया तुलसी ने एक दोहरा के तो कहिंदे ने समुंदर दा पानी उस तरह कदी कोई नहीं पी सकदा आपां शनान तां करदे तके ने समुंदर दे पानी नाल कदी प्यास बुझेगी समुंदर दा पानी कदी खेती लई लाभदायक होएगा कह लगे नहीं बावन चंदन आपां कहिंदे आ सुगंधी बखेरदा है पर जे हवा ना चले ते सुगंधी अगे जिहड़ी ओह पास नहीं हुंदी हवा तुरेगी ते सुगंधी दूजे तक जाएगी जे हवा नहीं अपने आप विच मस्त है। संत की तुलसी कहिंदा मोरो मन प्रभ अस विश्वासा रामचरित मानस मोरो मन प्रभ अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा कि ना मेरे मन विच ख्याल पैदा हो गया जेड़ी गल कल भी विचारी सी शाम की कथा विच कहो कबीर को भया उदास तीर्थ बड़ा के हरका दास कि ना मैं उदास हाँ भी तीर्थ वड्डा है कि करनी वाला वड्डा है। कहन लगे मोरो मन प्रभ अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा कहन लगे राम सिंधु गण सज्जन धीरा हिंदी दे शब्द ने सिंधु कहा जांदा सागर नु कहन लगे परमेश्वर तू मैं समुंदर साडी तेरे तक सीधी पहुंच नहीं होनी हाँ बदल बन के कोई वरसे ते तेरा पानी मीठा बन जाए। कह लगे संत बदल बन के वरस दई तेरी नाम दी मिठास पहुंचांदे मोर मन प्रभ अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा राम सिंधु गण सज्जन धीरा कह लगे चंदन हर तर तू चंदन दा रुखी जन संत समीरा
ते साधु जपन वाला हवा बन के तेरे को सुगंधी लैके दूजे तक पहुंचा देना। साहब कहन लगे फलगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगति आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। साहब कहन लगे सेज सुहावी सर्व सुख पर अर्ज करा दंभियां पखंडियां तो जरूर बचो। आ देखने आ ना साढ़े उठों के जेड़े सियासी लोग ने खिना करो तर्क नहीं उन्होंने केवल अपना खेत चाहिए उन्होंने गुरमत नहीं चेती उदो आ जब जबकि जावत जदो कदो अंदरों खो जाता कोई चला जाता उस दिन फिर परत के पंथ के गुरु का वास्ता। आ पिछे तकिया ने कि गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की बराबरी करने वाला किवें उठा वो किवें उन्हें ग्रंथ लिख दिता ग्रंथ शब्द से वर्तनी भी चाहिए वे उसने कूड़ का पलंदा एक लिखिया पनारे वाले ने तुझ सारे जाने वो किवें क्योंकि जदों पखंडी के चरणों में साढ़े आगू चुकन लग पे तो कुदरती तौर पर उभरते हैं। पर एक गल चेते रखियो गुरु ग्रंथ साहब से माण करके मैं अर्ज कर लगा केवल गुरु ग्रंथ साहब संसार विच ग्रंथ है केवल इस करके नहीं कि मेरा गुरु है। जितन मनुखता की अगवाई करने वाला कोई ग्रंथ लभणगे संसार के लोग निरपक्ष हो गए केवल धन गुरु ग्रंथ साहब जी ही मिलेंगे इस तो बिना नहीं। तो जे कहिए भी अज कोई मिलावट कर देगा मैं कई बार सोचना होना हरिमंदर साहब के मुकाबले पिरथिए ने गुरुद्वारा तैयार किया गुरु ग्रंथ साहब के बराबर पिरथिए के पुत्र मेहरवान ने ग्रंथ तैयार किया पर अज उहदा नामो निशान कितने नजर आता पे सच्चाई तो सच्चाई रहनी जेड़ा साहब ने कहना पूर्ण खुटे नानका औड़क सच रही पिरथिए दे बनाए उस धाम तां वीरान पए ने पर गुरु रामदास ते गुरु अर्जन देव दे घर अंदर दिल दुगनी ते रात चौगनी संगत भी आउंदी। साहब कहिंदे ने दंभ तो बची पर करनी वाला जेड़ा गुरु के चरणा में जोड़दा संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। हुण सेज सुहावी खिरदे दी सेज जेड़ी सोहणी बन गई सर्ब सुख हर सुख गुरु अर्जन देव कहिंदे मैनूं मिल गया हुण दुखा नाही जाए जाए दर से थां कहिंदे हुण खिरदे विच कोई थां ही नहीं जिथे दुख होवे थां होवेगी ते किसे नूं अंदर टिकांगे ना जदों अंदर सुख ही सुख है दुख नूं थां ही कोई नहीं। साहब कह लगे इस पुनी वड भागनी वटिया भागा वाली जीव इस्त्री की इच्छा पूरी होगी केड़ी जेड़ी मंगदी पई सी के मेरे मालिक जी के आनंद किवें मिले इस पुनी वड भागनी वर पाया हर राय उन्हां नूं खरी राय वैगुरु परमात्मा मिलिया। अज संगत नूं मिल के कहिंदी है भैणों जेड़ी मैं किरत कर्म करके विचरी सना आओ मिल सैया मंगल गाव ही गीत गोविंद अलाए सैया दल ते गुरमुख जन जपण वालियां सखियां आओ गोविंद दे गीत गाइए जिन्हें मेरे अंदर नूं आनंद दिता। साहब कहन लगे हर जेहा अवर ना दिसई तेरे वर्गा हरी होर कोई नहीं दिसदा कोई दूजा लवै ना लाए कोई तेरे वर्गा होवे ते जेड़ा रहमत करे तेरे वर्गा केवल तू जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने अनूप है तेरी कितना उपमा करा कोई है ही नहीं। साहब कहन लगे अरजेहा अवर ना दिसी कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सवारे उन लोक ते परलोक सवार दिता नेचल बितियन जाए उन ओ थां दे दिती जेड़ी अडोल है। साहब कहन लगे संसार सागर ते रखियन संसार समुंदर तो हाथ दे के रख लिया ते नाल कह दिता बौड़ ना जन्मे ताए अज तो बाद जन्म ते मरण विच नहीं। साहब कहन लगे मालका जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए जबान एक है गुण तेरे बेअंत ने जेवा एक कवन गुण कही है बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना गिनी लई है तेरा अंत किवें पावांगा जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। फिर कहिंदे ने फलगुण विच भी जपी फलगुण नित सलाई है जिस नूं तिल ना तमाई ओली शिफ्त करी जिन्हों फगन दे महीने विच तिल जिन्ना लालच नहीं। जे आपां सिमरन करने दा मतलब यह थोड़ा कि वाहगुरु खुशामद दा भुखा है। साहब तां कहिंदे ने बहुता कर्म लिखिया ना जाए कर्म दर तो ते बख्शिश वाहगुरु दी एनी कृपा है उन्हूं लिख कोई नहीं सकदा वड्डा दाता तिल ना
आत्माए उन्हें ते तिल जिना लालच ही नहीं लुकाए कुछ नहीं। साहब कह लगे फलगुन नित सलाहिया जिसनु तिल ना तमाए तमा नहीं उन्हें तिल जिनाई। साहब कह लगे प्यारिया के जे तू उन जपेगा फिर देख तेरे से रहमत हुई। अखीर ते फिर समुचा मानवता नु उपदेश दिता। कह लगे सिखा किते भुलेखे विच रह के जपन तो मेरा मेरा पार उतारा हो जाएगा। कह लगे जिन जिन नाम ते आया तिनके कार शरे जिन्हें जिन्हें भी जपे ओदे कारज जिंदगी दे रास होए। हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरे उन्होंने पूरे गुरु नु आराध्या हरि दे नाम ही जुड़े ते रब दी दरगाह विचो खरे ने ओ सुचे ने ओ प्रवान हुए ने। साहब कहन लगे सर्ब सुखा नित चरण हर सारे सुख जेड़े ने नित चरण हर दा अर्थ सारे खजाने सुख उन्हां नू खरी दे चरणा विचो मिल गए। सर्ब सुखा नित चरण हर भवजल दिखन तरे आ जेड़ा दिखन संसार सी इनू भी उतर गए। प्रेम भगत तिन पाईया उन्हां कोल प्रेमा भगती है दिखिया नाही जरे ते जेड़ी बकारा दी दिख जहर है उन्हां नू सार दी नहीं। शायद कह लगे कूड़ गए जेड़ा कूड़ सी किरत करत पहले महीने विच ते किरत करम के विचरे कूड़ चला गया। दुबदा नशी भादरों दे महीने वाली दुबदा भी चली गई। हुण पूर्ण सच कहे अंदर उस परिपूर्ण वाहगुरु की कृपा नाल सच टेकिया पार ब्रह्म प्रभ सेम दे ओ वाहगुरु नू जपदे ने सिमरदे ने मन अंदर एक तरे एक वाहगुरु नू हिरदे विच टिका के ते साहिब कहिंदे एवें कि ते भरम विच ना पै जाई फलाना दिन चंगा फलाना महीना चंगा। साहिब कहन लगे महा दिवस मूर्त भले ओ महीना ओ दिन ओ मूर्त ओ पल सच्चा है जिस को नजर करे जिदे ते ओदी कृपा हो गई। अखीर ते तको आनंद लैके भी जेड़ी मंग पहला मंगी सी के कर कृपा मेलो राम अखीर ते कहन लगे नानक मंगे दर्श दान कृपा करो खरे पहला भी कृपा मंगी। अखीर ते कहन लगे जे त्रुठ अपने दर्शना दा दान दे दे बस तेरी कृपा मंगण आया मैं। सारे बारह मां दा समुचा भाव है ओदी कृपा लेनी कृपा लई जाएगी जे इस अनुसार अपने जीवन नु ढालेगा। तन गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह कृपा करे साध संगत आप जी दी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी कृपा आप जी दी आशीष नाल ये बारह माह प्रारंभ किया। धन गुरु अर्जुन साहब ने आप कृपा करके ये सेवा कराई। दूसरी बेनती रात भी की सी जिवें प्रबंधक वीर ने उन्हें कहा है कि लंगर की इमारत होर अगे वधा लई। आप जी दे चरणा विच बेनती है कि वध चढ़ के गुरु घर की सेवा करिया जी ता जो सतगुरु दे इस पवित्र दरबार की इमारत बने जिदे नाल सानू सहूलत साडी पीढ़ी आने वाली नू सहूलत होवे। इन्हां को बेनतियां प्रवान करिया जी जिवें गुरमुखां कहा सी ते अगली वारी जे आए जो साहब नू पाया ते सिद्ध गोष्ट की बाणी की विचार ते मैं उन्हां नू बेनती भी की सी सिद्ध गोष्ट की बाणी विच साहब ने इन्ने उच्चे बचन कहे आप संगत आशीष बख्शोगे ते जरूर हो सकेगी। हुईयां फुलां की कृपा करके माफी दे आ जे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।